दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे शाहरुख खान की फिल्म जवान और जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा की आठ दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे कौन सी फ ने हमारी शुरुआती आठ दिनों में बॉक्स ऑफिस पर बाजी कौन बना आज का सबसे बड़ा सुपरस्टार और कौन सी फिल्म बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म तो दोस्तों यह सब जानने से पहले अगर आप शाहरुख खान की फिल्म जवान या जूनियर एनडीआर की फिल्म में से कौन सी फिल्मों को एक बेहतरीन फिल्म मानते हैं हमें कॉमेंट में जरूर बताना तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की किंग खान यानी शाहरुख खान की फिल्म जवान के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है अटली कुमार के डायरेक्शन से बनने वाला ये फिल्म जिसमें आपको शाहरुख के साथ नयन और विजय बॉक्स ऑफिस पर पचहत्तर करोड़ की कमाई की तो यह फिल्म अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कारोबार किया था वही दोस्तों बात की जाए फिल्म की दूसरे दिन की कलेक्शन की, की तो दोस्तों शाहरुख की फिल्म जवान अपने दूसरे दिन इंडिया से तिरपन करोड़ तेईस लाख का नेट कलेक्शन किया तो तीसरे दिन फिल्म ने कमाए थे सतहत्तर करोड़ तिरासी लाख रुपये और शुरुआती आठ दिनों तक आते आते जवान फिल्मों का कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तीन सौ नब्बे करोड़ का हो गया था तो इंडिया क्रॉस कलेक्शन चार सौ चौसठ करोड़ का हो चुका था तो अल्डाइट बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए छः सौ बिरानवे करोड़ का आंकड़े को टच कर लिया था तो दोस्तों बात करते हैं जूनियर एन की फिल्म देवरा के बारे में तो आप सभी को पता है देवरा फिल्म में आपको जूनियर एन के साथ सफे खान और जानवी कपूर देखने को मिला था वही दोस्तों बात जाए की जाए फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो जूनियर एन टी आर की फिल्म देवरा अपने पहले दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर है सात करोड़ पचास लाख की कमाई की लेकिन सभी भाषाओं में फिल्म अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर है बिरासी करोड़ पचास लाख की ओपनिंग की तो यह फिल्म अपने पहले दिन वर्ल्ड राइट बॉक्स ऑफिस पर है एक सौ बहत्तर करोड़ का कारोबार किया था वही दोस्तों बात के जाए की जाए फिल्मों की दूसरे दिन की कलेक्शन की तो जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा अपने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अड़तीस करोड़ बीस लाख का नेट कलेक्शन किया तो तीसरे दिन फिल्म ने कमाए थे उनचालीस करोड़ नब्बे लाख रुपए और देवरा फिल्म अपने छठवें और सातवें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई रखी और देवरा फिल्म अपने छठवें दिन कमाए थे इक्कीस करोड़ रुपए और अपने सातवें दिन यानी कल के दिन फिल्म ने सात करोड़ पच्चीस लाख की कमाई की जिससे इस फिल्म का कलेक्शन शुरुआती सात दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दो करोड़ साठ लाख का हो गया था तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन दो करोड़ का हो चुका है जहाँ समझिए तो ऑल राइट बॉक्स ऑफिस पर देवरा फिल्म का कलेक्शन शुरुआती सात दिनों में चार सौ करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है वही दोस्तों बात की जाए फिल्म के आठ दिनों की कलेक्शन की तो देवरा फिल्म अपना आठवें दिन यानी आज इंडिया से लगभग ग्यारह से बारह करोड़ कमाती नजर आ रही है तो दोस्तों आज के कलेक्शन के मामले में शाहरुख खान की फिल्म जवान ने मारी बॉक्स ऑफिस पर बाजी शाहरुख खान बनाज का सबसे बड़ा सुपर स्टार